तो फाइल की इवेंट्स, फाइल इवेंट्स में हम बात कर रहे हैं और फाइल इवेंट्स से कुछ अलग चीज हम करने वाले हैं आपके पास। तो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं वर्कबुक इवेंट्स की, और वर्कबुक इवेंट्स में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि किसी फाइल के अंदर में एक्सपायरी डेट कैसे लगाएंगे। पहला इस आज दो टॉपिक करने वाले हैं। पहले टॉपिक होगी किसी फाइल में हम एक्सपायरी डेट कैसे लगाएंगे, और दूसरा हम फाइल की ओटीपी कैसे डिसाइड करेंगे। हम चाहते हैं कि मेरे फाइल के अंदर पासवर्ड बार बार चेंज हो। ओके फाइल का पासवर्ड हमारा बार बार चेंज हो तो कैसे होगा, चलिए इसी चीज पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइल की एक्सपायरी डेट के बारे में। तो हमने यहाँ पे लगाया वर्कबुक एंड ओपन पे, ध्यान रखिएगा वर्कबुक एंड ओपन, क्योंकि एक मेरा माइक्रो कब चलेगा जब मेरी फाइल ओपन होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया, यहाँ पे कंडीशन सबसे पहले देते हैं डिम एस टी एज ए डेट स्टार्ट डेट, और हमने एस टी इक्वल टू हमने एक डेट डाल दिया कि इस तारीख से स्टार्ट होगा। तो हमने डाला मान लीजिए 26 अगस्त 2021। फिर यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए, हाँ अभिषेक जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मैं ये पूछ रहा था इससे पहले कोई क्लास हुआ है क्या, क्योंकि मैं जीरो नॉलेज है इसमें। हाँ बेसिकली आप जो है आपने डेमो क्लास में आए हैं, तो आपको जस्ट कोर्स को अब्जॉर्ब करना है, ट्रेनिंग को अब्जॉर्ब करना है कि क्या मीडियम है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या हो रहा है। जब मैं आपकी बैच शुरू करूंगा तो मैं आपका बेसिक से करूंगा। ठीक है सर। तो डिम हमने बोला डिफरेंस एज ए लॉन्ग हमने यहाँ पे दे दिया, और हमने डिफरेंस निकाला कि D इक्वल टू करेंट सिस्टम डेट माइनस एस टी, और यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 31 देन एक्टिव वर्क बुक डॉट प्रोटेक्ट पासवर्ड, सॉरी माफ कीजिएगा पासवर्ड एंड पासवर्ड इक्वल टू हमने डाल दिया 12, और मैसेज देते हैं एम एस जी, यहाँ पे सेव भी कर देंगे पहले, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, देन एम एस जी बॉक्स में हम मैसेज देंगे योर फाइल हैव एक्सपायर्ड, और यहां पे कर देंगे एक्टिव फॉर्क पोक डॉट क्लोज, और यहां पे एंड। ओके तो ये इस कोड को क्या होगा, जैसे आपकी ये बुक वन फाइल ओपन होगी वो सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा कि जिस दिन फाइल ओपन हो रही है उस दिन की डेट क्या है, डेट डिफरेंस क्या है, मतलब उस दिन की डेट और जब फाइल हमारी बनी है जिसका हमने डेट सेट किया हुआ है इस डेट का डिफरेंस क्या है। अगर दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 31 हुआ तो क्या करेगा, ये सबसे पहले तो वर्कबुक में पासवर्ड सेट करेगा, देन इसको सेव कर देगा, और उसके बाद एक मैसेज देगा कि योर फाइल विल एक्सपायर, जैसे मैसेज पे ओके लिखेंगे यहाँ पे वर्कबुक क्लोज हो जाएगा। अब मैं ये काम करता हूँ कि मैं अगस्त के जगह पे यहाँ मैं जून दे देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं अपनी इस फाइल को बुक थ्री पे है, एक मिनट बुक टू है, यहाँ बुक थ्री है, और फाइल खुला है क्या, हाँ बुक टू, ये भी बुक टू, एक मिनट तो ये बुक थ्री कैसे दिख रहा है,
एक मिनट, अब चलिए मैं अपनी उस फाइल को ओपन करता हूं। देखा, योर फाइल हैव एक्सपायर्ड, देखिए ना सर, जैसे ओके करूंगा फाइल क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। मैं दोबारा इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो क्या मांगेगा, पासवर्ड। अब जब तक पासवर्ड, अब मान लीजिए किसी ने पासवर्ड क्रैक भी कर लिया और उसने जान भी गया फिर डाला, वो अगेन चेक करेगा। अब देखिए अनेबल माइक्रो बार बोलेगा कि मैं माइक्रो सिक्योरिटी डिसेबल है, जैसे माइक्रो अनेबल करेगा ये फाइल को लॉक कर देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको क्या हुआ इसका? हेलो, यस सर, ऑब्जेक्ट से आपको समझ में आया? जी सर। तो कैसे हुआ उसको छोड़िए, आपको कोड तो समझ में आ गया ना आपको सर? हाँ सर, प्रोसेस तो समझ में आया ना, कोड क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, प्रोसेस तो प्रोसेस समझ में आ गया, प्रोसेस क्या करना। हेलो 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 सर, बोलिए भुवन जी, सुन रहा हूँ। सर मैं एक्चुअली जाहिद बात कर रहा हूँ। हाँ जाहिद जी, सिस्टम में एक क्वेरी ये है, जैसे हमने डी बराबर डेट माइनस एसटी किया, ये मैक्रो अपने आप कैसे इसको मतलब वो कर रहा है कि ये डी पे हमारे डे ही है, स्टोर है, मंथ भी हो सकते हैं, ईयर भी हो सकते हैं, तो डी पे आप समझ नहीं पा रहे, हमने ऊपर क्या किया, एसटी डिफाइन किया जो कि एक डेट है, एसटी पे हमने डेट डाल दिया, डी जो है लॉन्ग है जो कि डिफरेंस निकालता है, इसमें डिफरेंस होगा 3 4 5 ऐसे डे ऐड होगा, और कैसे ऐड होगा कि डेट में से एसटी माइनस हुआ, डेट क्या है, करेंट सिस्टम डेट है ना, ये डेट फॉर्मूला है ना जो कि सिस्टम डेट देगा। जी सर, जैसे ही फाइल ओपन होगी वो सिस्टम का डेट पिक करेगा और उसमें से अपना ओरिजिन डेट को घटाएगा जो कि एसटी पे स्टोर है, और फिर यहां से निकालेगा अपना डिफरेंस, और फिर चेक करेगा डिफरेंस 31 से ऊपर है, अगर 31 से ऊपर आ गया तो इसमें अपना कार्यक्रम शुरू कर देगा। तो सर ये डी के ऊपर क्या 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 होगा स्टोर, एज ए मतलब जो डी के ऊपर डेट डिफरेंस ना होगा सर, डेट स्टोर होगा या डे के स्टोर होंगे? सिंपल देखिए कि एसटी क्या है, एसटी आपका है जून 26 जून है, राइट राइट सर, और डेट क्या है, टुडे है, क्या है जी सर, टुडे। अब इन दोनों को जब टुडे में से 26 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, क्या आ गया सर? ओके, तो 86 डेज आ गए। हाँ, 86 डेज स्टोर होगा इसके ऊपर। ओके, समझ गए? नहीं सर, बस थोड़ा सा यही डाउट था कि मतलब ये डेज डेज कर रहा है या मतलब अपने आप डेज का वो निकाला डिफरेंस से मंथ का या डिफाइन किया हुआ है ना, लॉन्ग पे तो नंबर ही स्टोर होगा ना सर। ओके 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 फाइन, चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।